जय श्री राधे प्रभु जी। कृपया बताएं कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएं? क्या ठाकुर जी को राखी बांध सकते हैं? कृपया विस्तार से बताएं। जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। वैसे तो राखी लौकिक उत्सव है, ठाकुर जी का इससे विशेष कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी भावग्राही भक्त हुए हैं लोक, जिनके लिए लोक और भगवान एक हो जाता है, रच पच जाता है। रहते तो हम भी लोक में ही हैं, भावग्राही भक्त भी लोक में ही तो रहता है, तो लोक के वो लोक छोड़ देता है। भावग्राही भक्त का लोक भी कृष्ण होता है और परलोक भी कृष्ण होता है, भाव भी कृष्ण होता है। तो बहुत अच्छा अवसर है, रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर अब प्रश्न किया है आपने कि मैं उनको राखी बांध सकती हूं। जी हां, आप बिल्कुल राखी बांध सकती हैं, लेकिन आपको राखी बांधते समय इस भाव का ध्यान रखना होगा कि भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा, और रक्षाबंधन के दिन सुभद्रा उनको राखी बांधती हैं। तो सुभद्रा की दासी बनके, सुभद्रा की प्रतिनिधि बनके, ये मान के कि ये राखी सुभद्रा ने भिजवाई है और उनके भैया को बांधनी है। तो जैसे कई बार क्या होता है ना कि मेरी भी बहन नहीं आई इस बार राखी पर, तो वो राखी किसी भी अड़ोस पड़ोस की बच्ची से, बेटी से, किसी से भी हम बंधवा लेते हैं। तो इस तरह से प्रतिनिधि बनके, सुभद्रा के प्रतिनिधि बनके, सुभद्रा की ओर से आप श्याम सुंदर को राखी बांध सकते हैं। दूसरा, आप तो जानते हैं कि आप जीव की तो शक्ति नहीं कि ठाकुर का भाई बने, वो भाई के दास का दास बन सकता है, वो माता के दास की दासी बन सकती है, वो उनकी प्रिया जी के दासी की दासी बन सकता है जीव, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आप यदि महिला है तो महिला तो बांधती ही है, पुरुष भी बांध सकते हैं, क्योंकि राखी में भाई बहन के साथ साथ रक्षाबंधन का, रक्षा का, कि ये राखी बांध रहे हैं आप हमारी रक्षा करना। बहन जब भाई को राखी बांधती है तो ये वचन होता है कि हे भाई, मैं तुमको ये रक्षा सूत्र बांध रही हूं, मेरी रक्षा तुम करना, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये भाव है राखी बांधने का। अब आजकल तो क्या है ना कि बच्चे ये सब जानते नहीं है, एक धागा सा लिया बांध दिया, या कोई जो करोड़पति टाइप के लोग हैं उन्होंने कोई 1,000, 2,000, 10,000 की घड़ी दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने सोने का वो दे दिया, ठीक है, कोई हानि नहीं है, लेकिन उसमें जो निहित रहस्य है वो निहित रहस्य यही है कि हम आपको ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, आप हमें हमारी रक्षा करना। तो इसी प्रकार से सुभद्रा बहन की ओर से हम राखी कृष्ण को बांध हैं, और कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि हे स्वामी, आप तो हमारे स्वामी हो, हमारे इष्ट हो, आप ही हमारी रक्षा अब तक करते आए हो, आगे भी आपने हमारी रक्षा करनी है। आज ये लौकिक राखी का त्योहार आया है तो मैं आपकी सेवा में ये राखी बांध रही हूं या बांध रहा हूं। रक्षाबंधन एक मित्रता का भी प्रतीक है, आशीर्वाद का भी प्रतीक है, प्रेम का भी प्रतीक है। ये ऐसा नहीं है कि केवल भाई बहन ही बांधते हैं। प्राचीन प्रथा है, अब भी है, ब्रज में राखी वाले दिन प्राचीन शैली के जो पंडित हैं वो पंडित राखी लेके निकलते हैं, और जो उनके यजमान या प्रेमी लोग होते हैं उनके पास आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं, उनको राखी बांधते हैं, और यजमान जो है यथासंभव ब्राह्मण घर पर पधारे हैं तो उनकी भोजन से, वस्त्र से, धन से उनकी सेवा करते हैं। आज भी ये प्रचलन है। यह मित्रता की प्रार्थना के रूप में भी राखी का प्रयोग इतिहास में हुआ है। बहुत से राजा जो कभी युद्ध आमने सामने हुआ अथवा किसी और से युद्ध हुआ, उन्होंने उसका सहयोग किया,
अब हम उनसे मित्रता चाहते हैं तो अपने दूत के द्वारा उनको राखी भिजवा दी जाती थी, तो ये मान लिया जाता था कि ये राजा हमसे मित्रता करना चाहते हैं। तो राखी एक मित्रता का, प्रेम का बंधन है, और ठाकुर से तो आप जानते हो कि ठाकुर से बंधन ही प्रेम का है, क्योंकि प्रेम केवल ठाकुर से हो सकता है, और ठाकुर ही एक ऐसा है कि जन्म जन्मांतर तक आपके प्रेम को वहन करता है, आपके प्रेम के परिणाम आपको देता है और प्रेम के बदले में प्रेम देता है। इस प्रकार राखी एक प्रेम का विषय है, भगवत भक्ति मार्ग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। रही बात समय की, तो समय की स्थिति कोशिश करना चाहिए, जब एक लोक धर्म को जोड़ रहे हैं तो उसका समय होता है। इस बार लगभग 1:50 तक का समय पंडितों ने, ज्योतिषियों ने निर्धारित किया है, तो कोशिश करके सुबह सुबह जब आप सेवा करते हैं ठाकुर की, जब हम स्नान चंदन आदि से सेवा करते हैं, उसी समय ठाकुर को मुकुट आभूषण मुरली के साथ साथ राखी बांध दी जाए, राखी उनके चरणों में समर्पित कर दी जाए। राखी का त्योहार भी हो गया और ठाकुर से राखी का लगाव भी हो गया, तो राखी का उत्सव लोकवत होते हुए भी, लौकिक होते हुए भी भगवत भक्ति का अंग बन जाएगा और हमारी भक्ति बढ़ेगी। ठाकुर को भाई नहीं बनाना है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ठाकुर को भाई नहीं बनाना है, ठाकुर तो हमारे इष्ट ही रहेंगे, ठाकुर हमारे स्वामी ही रहेंगे, या जो उल्टा सीधा भाव आपने अशास्त्रीय रीति से ठाकुर से रखा हुआ है, भाव तो वही रहेगा। आप ठाकुर की बहन सुभद्रा की प्रतिनिधि के रूप में उनको राखी बांधेंगे और आपने भाई बनाया हुआ है तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है। बाकी ये आप समझ लीजिए कि ये जो भाव है यह भाव शास्त्रीय नहीं है, जीव सदैव दास ही है और दास ही रहेगा। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर किसी भी भाव में जाए तो उस भाव का जो मुख्य उनका पात्र है उसके दास का दास बनके ही उस भाव की पुष्टि कर सकता है और उससे उसको लाभ भी मिलेगा। अन्यथा तो भक्ति मार्ग ऐसा है, इसमें कोई पाप नहीं होता है कभी भी। ये अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, गलत मार्ग पर चलेंगे तो पहुंचेंगे तो सही, पाप नहीं होना है, नर्क नहीं मिलना है। भक्ति में कुछ भी उल्टा सीधा कर लीजिए, नर्क नहीं मिलेगा और न स्वर्ग मिलेगा, कितना भी अच्छा कर लीजिए, स्वर्ग नर्क का विषय ही नहीं है। तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मनाइए, अपने भाई बहनों को भी राखी बांधिए और ठाकुर को भी राखी बांधाइए, बढ़िया सी राखी बंधा के ठाकुर को खीर का भोग लगाइए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ ठाकुर को खिलाइए और स्वयं भी बांटिए, स्वयं भी खाइए। जय श्री राधे, जय निताई। जय।